आ गई योगी जी लालू मास्टर परेशान करने के लिए। इन्हें पूरा दिन परेशान करने के अलावा और कोई काम नहीं है, हमें परेशान ही करते रहते हैं। अब आते ही पूछेंगे क्या क्या याद करके लाए। अरे याद करके क्या लाएंगे, हम सही से कभी पढ़ाते नहीं है और हमें उल्टा डांटते हैं आके। सब लोग किताबें खोलो, कल हम कहाँ थे? अरे लालू सर जी, कल भी हम यहीं थे जहाँ आज हैं, इसी जगह इसी सीट पे बैठा हुआ था मैं तो। राहुल और अखिलेश ने अपनी जगह जरूर चेंज कर ली है, कल तो हम यहीं पे थे। अरे क्या मजाक करती हो, मजाक का टाइम है ये? अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कल किताब में हम कहाँ पर थे, मतलब कहाँ तक क्वेश्चन हल कर लिए थे हमने? अरे क्या लालू सर जी, इस उम्र पे भी पढ़ाते फिरते हो, जाके रिटायरमेंट लो और आराम से घर आराम करो। खुद भी परेशान होती हूँ, स्कूल आके हमें भी परेशान करती हूँ। तुम्हें बुक में खुद तो याद रहता नहीं है कि कहाँ पर थे हम, कहाँ तक क्वेश्चन हल हो चुकी है। मोदी जी बहुत बोलते हो, बहुत बोलते हो, तुम्हें इस तरीके से बात करने का बिल्कुल हक नहीं है। अरे मैं रिटायरमेंट अभी क्यों लूं, अभी मैं 10 साल और पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। अगर लालू सर जी आप 10 साल पढ़ाते रहे हमें, तो 10 साल तक हम यहीं पे रहेंगे इसी क्लास में। अच्छा राहुल तुम बताओ, बिहार की राजधानी का नाम क्या है, बिहार की राजधानी बताओ। लालू सर जी मुझे कोई राजधानी का नाम याद नहीं है, मैं तो सिर्फ एक ही राजधानी जानता हूँ, राजधानी एक्सप्रेस। उस ट्रेन में बैठाल के मम्मी मुझे दिल्ली से मुंबई ले गई थी, बस वो ही राजधानी एक्सप्रेस याद है मुझे। बहुत बढ़िया राहुल, बहुत बढ़िया आंसर दिया तुमने, इसीलिए तो तुम 5 साल से इसी क्लास में हो। योगी जी आप पढ़ने में इतना तेज हैं, थोड़ा सा भी ज्ञान इस राहुल को नहीं देते हो। अरे मैंने कहा था एक दूसरे को ज्ञान बांटा करो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। क्या बढ़ता है लालू सर जी, आपने तो हमें कभी सहायता की नहीं, ज्ञान बांटा नहीं। अरे योगी जी क्या कहना चाहती हो, मैंने क्यों ज्ञान नहीं बांटा तुम्हें, हमेशा तो बांटता रहता हूँ, हमेशा पढ़ाता हूँ। अरे लालू सर जी आप योगी जी का कहने का मतलब नहीं समझे, आप कहते रहते हो ज्ञान बांटो ज्ञान बांटो, जब पेपर होते पेपर में आप हमारे पास में खड़े रहते हो, हम पूछते हैं किसी क्वेश्चन का आंसर, आप क्यों नहीं बताते, आप तो ज्ञान नहीं बांटते हो उस टाइम, बेफालतू की बात करते हो, रिटायरमेंट ले लो। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी मैं आपसे कह देता हूँ मुझे घर तक छोड़ के आना। अरे आप हमें घर से पहले ही छोड़ देते हैं, घर के दरवाजे तक छोड़ के आना आप मुझे। अरे लालू रिक्शा वाले थे वो हमें घर तक छोड़ के आते थे, और घर से ही स्कूल ले जाते थे, स्कूल से बिल्कुल घर छोड़ते थे। एक तो हमने लालू जी का रिक्शा छोड़ दिया, आपके साथ साइकिल में इस जुगाड़ में जाती है, जो आपने साइकिल पे ये जुगाड़ बनाया है। अरे राहुल जाती हूँ तो क्या हुआ, एहसान में थोड़ी जाती हूँ, पैसे भी तो बहुत कम देती हूँ। अरे लालू जी तुम्हें स्कूल से घर लाने के और घर से स्कूल ले जाने के 300 रुपए महीना लेते थे, और मैं 50 रुपए महीना लेता हूँ तुम्हें स्कूल से घर लाने का और घर से स्कूल ले जाने का। अरे राहुल तुम्हारे घर के पास मैं तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ता हूँ, तुम्हारे घर के सामने अमित शाह जी का घर है, उनके मेरे ऊपर 50 रुपए आ रहे हैं, वो पैसा मांगने लगते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे घर से पहले ही तुम्हें छोड़ देता हूँ। अरे मोदी जी ये साइकिल के पीछे जो टोकरी रखते हो इसको थोड़ा बड़ा करो, या एक बंदा बैठाला करो, मैं और राहुल इस टोकरी में सही तरीके से बैठ नहीं पाते, मैं तो बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ हूँ इसमें। अरे एक रिक्शा को ना ले लो मोदी जी, अगर आप रिक्शा ले लोगे तो हम आप ही के रिक्शे पे जाया करेंगे, फिर आपके रिक्शे में स्टूडेंट भी ज्यादा बैठ जाया करेंगे, ज्यादा पैसा मिलेगा आपको। अखिलेश कैसी बात करती हूँ, अगर रिक्शा लेने का पैसा होता मेरे पास तो मैं साइकिल में ये जुगाड़ बना के स्टूडेंट को स्कूल से घर और घर से स्कूल छोड़ा करता। अरे फिर तो मैं रिक्शा ही ले लेता। और तुम क्या कह रहे हो कि टोकरी पीछे बड़ी कर लूं? अरे अभी टोकरी बड़ा करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, अभी इसी में काम चलाओ। अरे ये योगी इंस्पेक्टर जी आ गए केजरीवाल के साथ, ये बड़ा परेशान करेंगे अब। रोक लो मोदी जी अपने रिक्शे को, यही रोक लो। जी ये रिक्शा नहीं है साइकिल है। अरे तुमने इसे रिक्शा ही बना रखा है, स्कूल का रिक्शा। अरे सर जी स्टूडेंट को स्कूल से घर, घर से स्कूल छोड़ देता हूँ, इसी से खर्चा पानी चल जाता है, जुगाड़ बना लिया है, रिक्शा खरीदने के पैसे नहीं है। तुम अपनी साइकिल पे 2 सवारी लेके चल सकते हो, तुम 3 लोग हो इसीलिए तुम्हारा चालान कटेगा। अरे मैं अपनी साइकिल पे स्टूडेंट तो ही बैठाता हूँ, कोई और चीज थोड़ी बैठाता हूँ, स्टूडेंट पे चालान मत काटो। अरे मोदी जी कैसे ना चालान काटे, ये बताओ तुम कमाई नहीं कर रहे हो स्टूडेंट को स्कूल पहुंचा के, फ्री में थोड़ी पहुंचाते हो स्कूल इन स्टूडेंटों को। अरे नहीं केजरीवाल सर जी ये फ्री में बिल्कुल नहीं पहुंचाते, एक दिन भी इनका महीने का दिन लेट हो जाता है तुरंत पैसे मांगने लगते हैं। अरे जिन लोगों को तुम स्कूल ले जाते हो वो ही तुम्हारी बुराई कर रहे, तुम्हारा तो चालान कटेगा ही कटेगा। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।